भाइयों, आप ये देख रहे हो कि पूरे जोर से ये बारिश हो रही है और इतनी बारिश होने के बावजूद किसान अपने इस मोर्चे में डटे हुए हैं, ये आप देख रहे हो। और इधर इस साइड पे हमारे महापुरुष टिब्बी साहब वाले यहाँ पे लंगर की सेवा जो चला रहे हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं। और इनकी जो ये सेवा है, ये आप देख सकते हो कि किसानों को कैसे ये लंगर मुहैया करवा रहे हैं। यहाँ पे इतनी बारिश में कितनी मुश्किल है, कितनी भारी, कितनी बड़ी तपस्या है कि इस तरीके से ये लंगर तैयार करके यहाँ पे संगत को, किसानों को खिलाना वो ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि किसानों के हौसले बुलंद हैं, लंगर खिलाने वाली या संस्थाओं के हौसले बुलंद हैं। भले कितना ही लंबा समय ये आंदोलन से लड़ना पड़े और लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और सरकार को घुटनों के बल लाकर ही रहेंगे। और एक बात मैं और कहूँगा सभी पूरे देशवासियों को आज के इस वीडियो के माध्यम से कि भाइयों, आप जो 26 मई का दिन आ रहा है, वो 26 मई का दिन हमारे आंदोलन का 6 महीने पूरे होंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी के और इस सरकार के 7 साल पूरे होंगे। और उस दिन प्रधानमंत्री के जो आज तक के कार्यकाल को जितना समय उन्होंने देश पे राज किया और देश के लोगों को जितना परेशान किया है, उस सब को ध्यान में लेते हुए हम 26 मई को प्रधानमंत्री का पुतला दान करेंगे पूरे गांव-गांव में। और हर किसान, हर मजदूर, हर दुकानदार, सभी के घरों पे काले झंडे लगे होने चाहिए। 26 मई का दिन काला दिवस के तौर पर हमने मनाना है और सभी ने अपने वाहनों पे, अपने ट्रैक्टरों पे, अपने मोटरसाइकिलों पे, अपनी गाड़ियों पे काले झंडे लगाकर पूरा विरोध करना है। और हमारे आंदोलन का जो 6 महीने का जो हमने तय किया था, राशन लेकर चले थे, उसके आगे का हमारा प्रोग्राम है जो हम अपने आंदोलन को अगले चरण में लेकर जाएंगे। ये हमारा आप सभी से निवेदन है कि 26 मई को प्रधानमंत्री का गांव-गांव में पुतला दान किया जाना चाहिए और नाल ही उसके साथ हर किसान, हर दुकानदार, हर मजदूर, हर भाई अपने वाहनों पे काले झंडे लगाए और अपने घरों पे काला झंडा लगाकर सरकार की इस लोक मारू, देश मारू नीतियों का विरोध करते हुए आंदोलन के अगले चरण में हम शामिल होंगे। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।